तो गाइस एक छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं हम चंपा की। चंपा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रॉपिकल आउटडोर प्लांट है। ये फ्लावरिंग प्लांट है आप जैसा कि जानते हैं, और आपने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और काफ़ी जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं जैसे पार्क्स वगैरह, वहाँ पे आपने इसे देखा होगा। ये बहुत ही हार्डी, खूबसूरत और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। तो इसी की तीन टिप्स के बारे में बात करें, कैसे आप अपने चंपा को जो है वो अच्छे से रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी हम बात करें तो इसे फुल सन में रखना है। इसे जितनी ज़्यादा सन मिलेगी इसकी जो ग्रोथ है और फ्लावरिंग है उतनी ज़्यादा बेहतरीन होती है। दूसरी टिप की बात करें तो फ्लावरिंग पाने के लिए इसे टाइम टाइम पर ट्रिम करते रहना चाहिए। तो इसकी जो डालें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस निकलती हैं, सीधा सीधा पेड़ ऊपर नहीं जाता, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ब्रांचेस होने की वजह से काफ़ी सारी इसमें जो है फ्लावरिंग होती है। तीसरी चीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मिलीबग्स की। तो वीकली आप इस पर नीम ऑयल ज़रूर स्प्रे करते रहें, और इन्हें ऐसे प्लांट्स से दूर रखें जिनमें मिलीबग्स काफ़ी लगती है, जैसे कि हिबिस्कस वगैरह। तो इन प्लांट्स को आप थोड़ा सा दूर दूर रखें तो इसकी वजह से जो मिलीबग्स है वो कम होती है। और वीकली आप नीम ऑयल का स्प्रे करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। मिलीबग्स के रहते हुए इस प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। फिर सॉइल बढ़िया इसे रिच सॉइल प्रोवाइड करिए अगर पॉसिबल है तो। बाकी अगर आप अपने ग्राउंड वगैरह पर लगाते हैं तो नॉर्मल सॉइल में काफ़ी अच्छा चल जाता है। गमले वगैरह में आप लगा रहे हैं तो कम से कम 40% आप बढ़िया सी खाद, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें अच्छी क्वालिटी के साथ में अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल। बस इन दो चीज़ों का इसे मिक्स चाहिए, और टाइम टाइम पे आप वर्मी कंपोस्ट की रिफिलिंग उसमें करते रहें। तो सॉइल के साथ अगर हम पानी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इसे फुल सन में रखना है तो मोस्टली एक या दो दिन में यह प्लांट कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा कम पानी दें जब इसकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो। बस ये टिप्स थी आपके चंपा के लिए, जो कि आपके चंपा को एक बेहतरीन ग्रोथ दे सकती हैं। तो फॉलो करें ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।